चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। तेरा प्यार मैनू मिलया मैं दुनिया तू देखी ले। बीच में नहीं बोलना। तेरा प्यार माँ जी। हाँ जी मेहमान साहब मैं आ गया। अरे तुम्हें तो इस दुनिया में आए 40 साल हो गए हैं भाई। और यार मैं मूसा मैं अभी सिर्फ 35 का हुआ हूँ यार। रातें निकाल के? नहीं सिर्फ शामें निकाल के। आज तू बड़ा वो लग रहे हैं वैसे। अरे वो तो ये हमेशा ही लगता है। वो क्या मैं मूसा? जहर। मैं मूसा आप अपने हाथ में रहे वरना मैं आपको ये गिफ्ट नहीं दूंगा। अरे नबील तुम तो बुरा मना गए यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा चले क्या याद करेंगे, ये आपके लिए माँ जी, ये आपके लिए। लेकिन नबील इतने महंगे तोहफों के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए भाई? और यार मैं मूसा आप आम खाएं गुटलियाँ ना गिने। पुत्र तू हमारे लिए आम भी लाया कफील? नबील माँ जी। अच्छा नबील के लिए आम लाया? ओ माँ जी मैं आप लोगों के लिए ब्रांडेड कपड़े लाया हूँ, वो भी पूरे 40,000 के। 40,000? अरे 40,000 रुपए आए कहाँ से तुम्हारे पास? पुत्र गुर्दा तो नहीं बेच दिया तूने? ओ नहीं माँ जी मुझे अपना गुर्दा बेचने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा जी ने भिजवाए थे मुझे 40,000 रुपया। मेरे पापा जी का दिल महमूद साहब के मुंह से भी बड़ा हो गया है। उनका इलाज करवाओ भाई। हेलो जी मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। जावेद साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। क्या आपको पिछले 3 महीने से किराया नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो नबील को पैसे दे दिए थे। क्या अब जावेद साहब देखिए आप कुछ दिनों की मोहलत तो दे दें प्लीज जावेद साहब। हेलो हेलो नबील नबील दुनिया तो प्यार मिले कोई दिलदार आंदा सवाद गल बात दा नबील तुमने ठीक नहीं किया यार। तो तू भी एक ठुमका लगा के दिखा दे तस्नीम। खूबसूरत हाँ तो खूबसूरत सा ठुमका लगा दे बस ये चीज। मैं ठुमके की बात नहीं कर रही नबील, जो किराए के पैसे तुम्हें दिए थे कहाँ है वो? जानू वो पैसे ना यहीं कहीं होंगे। ओह इसका मतलब है कि हमारे लिए ये जो कीमती तोहफे लाए हो ये किराए के पैसे से लाए हो। जावेद साहब का फोन आया था। देख ले दील तेरी बीवी के पास प्राइम मर्दों के फोन आते हैं। जावेद साहब का किराए के लिए फोन आया था, वो आप लोग खा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आज किराया ना मिला तो घर खाली करना होगा। अरे ऐसे कैसे खाली करवा लेंगे वो? नबील तुम अभी जाओ और उनके पैसे देकर आओ। यार महमूद साहब वो पैसे तो खर्च हो गए हैं यार, महमूद साहब आप अपना एक बड़ा सारा गुर्दा क्यों नहीं भेज देते? आप लोगों को जो करना है करें लेकिन घर का किराया आप लोगों को देना होगा। चाचा तूने इश्फाक को हल्का ले लिया क्या? कौन इश्फाक? आप सरताज हार कौन? हमारा मतलब है कि हम तुम सबको देखने को वास्ते आए। क्यों हम सब तो बिल्कुल ठीक है। सुनो बीबी हम पैसा लेने को वास्ते आए। क्या नबील ने तुमसे भी उधार पैसे ले रखे हैं? और ना बीबी ना। इसका मतलब है तुम उधार मांगने आए हो? देखो हम उधार नहीं दे सकते, प्लीज जाओ यहाँ से। वाह रुको यार हम उधार मांगने का वास्ते नहीं आए। जावेद साहब ने हमको ये तुम्हें भेजा है अपना किराया वसूल करने का वास्ते। उसने हमको बोला कि बारूद खान जाओ और उनका सर पे पट जाओ और अब हम पटने का वास्ते आए। देखिए अभी हम पैसे नहीं दे सकते, 2-4 दिन में इंतजाम हो जाएगा। हाँ तो ठीक है हम 2-4 दिन ये दर में आराम करेगा। क्या? हाँ जब तक तुम हमको किराया नहीं देगी हम यहाँ से नहीं जाएगी। क्या ना यार मैं वो सब शैतानी दिमाग लड़ाए यार किराए के पैसे कहाँ से आएंगे भाई? आप
लोग लोगों से वो क्यों नहीं मांगते? अरे मोमो, अब तुम क्या चाहती हो कि हम लोगों से भीख मांगे? नहीं, भीख नहीं, वो जो लोग आपकी शक्ल देखते ही दे देते हैं। ज़कात? ज़कात नहीं पुत्र, वो जो बच्चों के मामू का होता है ना। अरे मेरे बच्चों का तो मामू ही कोई नहीं है, वरना मैं उनसे चंदा ही मांग लेता। चंदा? आप लोग लोगों से चंदा क्यों नहीं मांग लेते? अरे रहने दो भाई, मुझे कौन चंदा देगा, मैं तो शकल से ही खानदानी रईस लगता हूँ। ओ बस कर दे मामू साहब, शकल से तो आप उड़ने वाले सांप लगते हैं यार। नबील, नबील, अपनी हद में रहो। जिस चीज का डर था वो ही हो गया, ना तू जैसी चुड़ैल को भला किस चीज का डर? बाहर बारूद है। क्या हमारे घर के बाहर कोई बारूद रख गया? नबील, अरे जल्दी से फोन करके व्हाट्सएप को बुलाओ यार। बाहर बारूद खाना है यार, किराया लेने आया है और किराया लिए बगैर नहीं जाएगा। और हाँ, गन भी है उसके पास। तो क्या हुआ जानू? महमूद साहब हमारी खातिर सीने पे गोली खा लेंगे यार। क्यों भाई, मैंने क्या जुर्म किया है? आपने पिछले महीने मेरी जुराब गुम कर दी थी मुस्तकीम। महमूद? नहीं, महमूद की नहीं, वो मेरी जुराब थी जो मेरे मामू ने लंदन से आके लंडे से लेके दी थी मुझे। अरे मोमो चुप करो यार, बारूद खान बाहर गन लिए खड़ा है हमारी जान लेने के लिए और तुम्हें जुराब की पड़ी हुई है। आए छोड़े यार महमूद साहब, इस बारूद खान को मैं दिन में तारे दिखा दूंगा। मुझे तुम उसे दिन में दिखाओगे वो तारे होंगे। हाँ जी, शाबाश मेरा शेर पुत्र, चल जा। मैं आया। हाँ। क्या चाहिए तुझे? वो 3 महीने का किराया चाहिए हमको। इतने प्यार से मांगोगे तो मैं कैसे इनकार कर पाऊंगा बारूद खान? मैं ना एक्चुअली पैसे लेके तुम्हारे पास खुद आ रहा था। फिर क्या हुआ? अब फिर वो ना, अब वो ना फिर। वाह, ये बार बार फिर पर क्या करते हैं? बताओ क्या हुआ फिर? वरना हम ये इसको नहीं, हम ये बारूद तुम पे पट जाएगी। बारूद भाई, मेरा बाप। वाह, हमारा बाप? सुनो, हम तुम्हारा बाप नहीं है, हम ये तो सिर्फ पैसा लेने का वास्ते आए। यार बारूद खान, मेरा बाप चला गया। वो किधर गया हमको बताओ, मैं भी जाके उससे पैसा निकलवाती। बारूद खान वो इस दुनिया से चला गया है यार। फिर हम उसके पीछे नहीं जा सकते, वो तो सीधे दोजख में गया होगा। ये वैसे ये कब हुआ? बस अभी 5 मिनट पहले। यार हमको बड़ा अफसोस हुआ है, चलो हम अंदर चलते, तुम्हारे साथ उधर जाके बाकी लोगों से भी अफसोस करते। अभी कुछ नहीं हो सकता खान साहब, अभी तो सब गम से अंदर निढाल पड़े हुए हैं, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है यार। वाह, तुम रास्ते से हटो, हम सब का गम बांटेगी खाना। मैं बस अभी आता हूँ बारूद खान, तुम यही रुको, बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक। क्या हुआ नबील, बारूद खान से निपट लिए? अरे उससे निपटना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। अरे नबील, उस उल्टी खोपड़ी वाले को ऐसा क्या कहा है तुमने जो उसने तुम्हारी बात मान ली? कुछ खास नहीं महमूद साहब, बस मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे सौतेले बाप यानी आपका इंतकाल हो गया। नहीं, अरे क्या कर रही हो मोमो? आपने सुना नहीं, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया भाई साहब। अरे भाई, तुम्हारा शोहर मैं हूँ महमूद। ले, मैंने महमूद नामी आदमी से शादी कब की? नबील, तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था उससे। हाँ कफील, तू इस बदसूरत को भी तो मार सकता था। नबील, तुम उसे फौरन सच सच बताओ जाके। जानू, कभी मेरे किसी आइडिया को सपोर्ट नहीं करना, बड़ी सड़ियल बीवी हो तुम। शट अप नबील। यू शट अप खूबसूरत। चले महमूद साहब जल्दी से लाश बने, वो बारूद खान जो है ना वो सबसे मिलके अफसोस करना चाह रहा है। अरे क्यों भाई, मैं क्यों लाश बनूं? हर एपिसोड में तुम मुझे ही लाश बना देते हो। क्योंकि आप बिल्कुल नेचुरल लाश लगते हैं, आपसे अच्छी लाश कोई नहीं बन सकता हम में से। मैं तुझे इससे अच्छी लाश बन के दिखा सकती हूँ किफील। ठीक है मोमो, तुम जल्दी से लाश बनो, मैं और नबील उसे लेकर आते हैं। आओ नबील, आ जाओ। नचाओ राजा खुश मैदान दे, अते मेरा खले रू में रवान दे। एक बात सोचती, अगर आज मेरा संसार जिंदा होता तो हमारा मुंह से इतना अच्छा गाना तोड़ के हम पे कुत्ते छोक देता। जी कुत्ते मत भाई जाए। क्या हो गया खान साहब, क्या हुआ आपको? यार हमको तुम्हारा बाप भूत नजर आते हैं। मेरे बाप का भूत? अरे नहीं यार,
ये मेरा सचमुच का बड़े मुंह वाला बाप ही है सोतेला। अभी तो तुम बोला था कि तुम्हारा बाप मर गई है, अभी तू यहाँ टिकट खड़ा है इधर। अरे इसका बाप नहीं मरा, इसकी माँ मरी है। देखो हमको अच्छी तरह याद है, तुमने हमको बोला था कि तुम्हारा बाप मर गया। हाँ बारूद खान, हाँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी। वो मेरी दोस्त भी थी, मेरी बहन भी थी, मेरी माँ भी थी, मेरा बाप भी था यार। बारूद खान, आज तुम्हें पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि सारे पैसे इसकी माँ की दुआओं पे लग गए। हाँ बारूद खान, तुम चले जाओ, जैसे ही हमारे पास पैसों का बंदोबस्त होगा हम तुम्हें भेज देंगे, बुला लेंगे। यार तुम मम को है इतना घटिया समझते? यार मैं भूसा, इसे कैसे पता चला कि हम मुझे घटिया समझते? देख तुम्हारा अम्मा का वफात का सुन के ना हमको हमारा बेबे याद आ गया। कना अच्छा, कब हुई उनकी वफात? वो तुम्हारा खाना खराब खाना, हमारा वालदा माजदा जिंदा मिंदा है, काबुल में बच्चों को बंदूक चलाना सिखाते। अच्छा यार, अब तुम जाओ ना यार बारूद खान, मुझे अपनी माँ का गम तो मनाने दो ना। वरना बबना हम उनको दफनाने के बगैर इधर से नहीं जाएगा। हाँ क्या नाम, तदफीन के बाद जाएगा। देखो हमारा रिवाज है, मैयत वाला घर से जना ऐसे पलट के हम नहीं जाते, बल्कि अगर कोई चला जाए उसको भी टॉस कर दे। अच्छा ठीक है खान साहब, मैं आता हूँ, आप लोग रुके, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ जी, आप चश्मा तो उतारे यार, आप लाश बन रही हैं। चुपे, क्या लाश का दिल नहीं होता गजाला? खूबसूरत। थैंक यू, मेरी तारीफ करने का, मुझे पता है मरने के बाद भी तेरे से ज्यादा प्यारी लग रही हूँ। माँ जी हाँ रेडी आप? हाँ रेडी स्टेडी गो पुत्र। ओके मामू साहब आ जाओ। आइए 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 आ जाइए। नवीन, फरूख खान साहब को लेके आ रहा हूँ। आ रहा हूँ मैं नबील। माजी, मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ के क्यों चले गए? यार ये क्या है भाई, माँ जी का मैं तो काला चश्मा क्यों लगे और ऊपर से ये तो मेकअप, तोबा तोबा तोबा। इतना ज्यादा तो नहीं है? नहीं बहुत ज्यादा है कना। अब बताओ नबील। मैं बताऊं। अब वो मरहुमा ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि मुझे सजा के दफनाया जाए। वैसे ये जो लाश है इसका इंतकाल हुआ कैसे? बीमारी से। कौन सी बीमारी से इंतकाल हुआ? टीबी। कैंसर है? वो दरअसल टीबी के गम में ना इसे कैंसर हो गया था। ये कौन बोलते हैं? अभी भी इस घर के कोने कोने से मेरी माँ की आवाजें सुनाई देती है। बारूद खान खूबसूरत मामू साहब, मुझे संभाले यार, मुझे कमजोरी से चक्कर आ रहे हैं। बारूद खान तुम जल्दी से जाके कुछ खाने को ले आओ, हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमें देखो कितनी वीकनेस सबको हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात, हम अभी लेके आते हैं, अभी लेके आते हैं, लाओ पैसा दो। वो मेरी माँ मर गई है और तुम्हें पैसे की पड़ी है, अल्लाह तुझे पूछे बारूद खान। वो ठीक है, हम कुछ खाने के वास्ते लेके आते हैं, चले जाओ। शर्म आनी चाहिए वैसे आप लोगों को यार, एक बेचारे मासूम आदमी को बेवकूफ बना रहे। शर्म तो तुझे आनी चाहिए, सास की मैयत पड़ी है, मगर मजाल है एक आंसू जो गिरा हो तेरी आंख से। यार मामू साहब, वैसे बड़े घटिया वो लोग होते हैं जो मैयत वाली घर पे यूं ठूस ठूस के खा रहे होते हैं। अरे हाँ नबील, अरे घर वालों को खिलाने की बजाय अरे खुद बोटियों पे लड़ रहे होते हैं। हाँ ना, वो खूबसूरत बाजी आपको नहीं खा रहा है? खूबसूरत जो है ना वो पिज्जा डाइट पे है, सिर्फ पिज्जा खाती है, क्यों जानूं? शट अप नबील। देखा देखा बारूद खान, गुस्सा आ रहा है, इसको तुम जल्दी से जाओ और एक पिज्जा ले आओ लार्ज वाला, अब तो खुश हो ना जानू। यार हमको एक बात का समझ में नहीं आती है, तुम्हारा सब रिश्तेदार है किधर? कोई अफसोस का वास्ते है ही नहीं है। अब वो मोमो ने ना मरने से पहले सख्ती से हमें मना किया था कि मेरी मैयत पर कोई रिश्तेदार पर भी ना मारे। चिंतती औरत थी मेरी माँ यार, बड़ा ही सताया रिश्तेदारों ने मेरी माँ को। तुम एक काम करो, तुम पिज्जा ले आओ,
फिर मैं आराम से तुम्हें अपनी माँ के वाकया सुनाता हूँ। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है पिज्जा लाने की, बस अब आप जाए यहाँ से प्लीज। भाई यार कैसा बात करते, देखो इतना जन्नती औरत जो था उसको दफन किए बगैर हम कैसे जाएगा, हम नहीं जाएगा इधर। माँ जी की तदफीन नहीं हो सकती। वो क्या मतलब है जानू, माँ जी की तदफीन नहीं होगी तो क्या हम उन्हें जलाएंगे? अरे बोटियाँ ढूंढने जा रहे हो, उधर देखो बेचारी लड़की का क्या हाल हो गया, भूख से निडाल हो रही है, बैकी बैकी बातें करनी शुरू कर दिया उसने। जाओ जाके उसके लिए पिज्जा लेके आओ। हाँ बाद में खा लेंगे यार। चलो ठीक है, जाओ जाओ जाओ। देखो हमारा इसको कोई नहीं छेड़ेगा यार, क्या बहुत बड़ी हुई, आगे खा लेना। तेरा जूठा खा के हमने छपाकी निकलवानी है यार। मैं मूसा लेग पीस खा गया था। देखो कमबख्त का बच्चा, निकाल इसकी प्लेट से, निकाल निकाल। मसूद मुझे आपसे इतनी वो नहीं थी है, लाश मैं बनी तो खा भी आप लोग खाएं, अब मैं किसको खाऊं? ओ माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैंने आपके लिए पिज्जा मंगवाया है। जी। आप लोग कब तक उसे बेवकूफ बनाएंगे? अगर पता चल गया ना उसे, तो किसी को नहीं छोड़ेगा। ओ बारूद खान का बच्चा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जानू, हम बड़े पक्के खिलाड़ी हैं, क्यों मामूसा? हाँ ना। ले पुत्र अदील, उस बारूद से ना अगली बार तूने ये चीजें मंगवानी है। ओके माँ जी। आ जाए, आ जाओ, आ जाओ। ये लो भाई मैं पिज्जा ले आया। अब हमको ये बताओ कि मैयत को किस वक्त उठाने? अब मैयत अभी नहीं उठेगी भाई। अरे मोमो के भाई के बेटे की भाभी के भतीजे ने आना है युगांडा से, जब तक वो यहाँ पहुँच नहीं जाता ये लाश यहाँ से नहीं उठेगी। पिज्जा? और ये कौन बोलते कहना यार? खूबसूरत, क्या पिज्जा पिज्जा लगाया हुआ तुमने मेरी माँ की मैयत के ऊपर बैठ के? मैंने कुछ नहीं कहा नबील। अच्छा अच्छा चले महमूद साहब, मेरा ख्याल है हम ना माँ जी के स्वयं का मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं तीनों मिलकर। वो जो हम तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे वो माँ जी के स्वयं का मेन्यू होगा। हाँ जी यार, हाँ जी, आज वो, आज वो, आज वो, आज वो, आज वो, आज वो। यार वैसे मैं ये सोच रहा था कि देखो पड़ोसी में से भी कोई नहीं आया अफसोस का वास्ते। ओ खान साहब, एक्चुअली पड़ोसियों को हम मुंह नहीं लगाते। लेकिन हमको ये बताओ, स्वयं पे तो बुलाएंगे ना पड़ोसी को? स्वयं जो है ना खान, वो वैसे भी हम स्विट्जरलैंड में करेंगे। क्या? अरे नबील इतनी लंबी लंबी तो ना छोड़ो यार। अच्छा बात सुनो, हम भी मां जी का स्वयं में जाएगा यार। जरूर जरूर, तुम कहो तो तुम्हें उसके साथ ही दफना दूं। हाँ ठीक। क्या बारूद खान, तुम एक काम करो, तुम ये ना जल्दी से जाओ और ये सामान लेके आओ, ये मैयत के लिए सामान मंगवाना है, बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी सामान है। अच्छा ये सारा सामान लेने, मुल्तानी कढ़ाई वाला सूट, मुल्तानी कढ़ाई वाला सूट और गाढ़े रंग का सुर्खी पाउडर परफ्यूम, 5 किलो मोती चूर के लड्डू। यार तुम तो बोलता था कि मैयत का सामान मंगवाने, ये क्या है? बस बारूद खान, मेरी माँ जी की वसीयत थी कि ये सारा सामान मुझे दफन करते वक्त मेरे साथ दफनाना। अच्छा यार, बड़ा शौकीन मिजाज औरत था माँ जी। अरे शौकीन कहा थी मेरी माँ, हसरतें थी मेरी माँ की जो इस कंजूस आदमी ने पूरी नहीं की। नबील तुम्हारी माँ मेरे से बहुत खुश है, अगर नहीं है कि ना तो जाओ जाके उससे पूछ लो। अभी कैसे पूछोगे बाबा, अभी तो माँ लोग वो चल बस है। लग रहा है माँ जी के काम में ना महमूद साहब पागल हो गए। तुम जल्दी से बारूद खान सामान ले आओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। ठीक ठीक है, मैं जाते हैं सामान लेके आते हैं, तुम लोग पैकल नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल। शुक्र है तेरा तो कोई तो अफसोस का वास्ते आया। बाजी के तुम कौन है बाजी? दूर फिटे मुंह बाजी, किसको कहा है तूने? है तुम? हाँ हाँ मैं वो हूँ बच्चू। आपको पता तुम भूत है? खबरदार, मुझको भूत कहा, सिर्फ लाश बनने की बात हुई थी, समझा नमरूद खान? वो बचाओ बचाओ, कोई हमको बचा दिए, खुद को आगे ले आना वरना हम तुमको गोली मारेगा। भाई बड़ा ही घामड़ है तू, एक रूह को बंदूक की गोली से डराता है। मैंने ये बंदूक की गोली ना मुंह से कैच करके उल्टा तुझे वापस मार देनी है। बचाओ। बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, जाएगी पर उस बार निकलते हैं, बबल बनाए जलता जा कोई।
बखा, तेरा शुक्र है कि तूने हमको बचा लिया। खुदा बखा भूत भाग्या गायब हो गया। वो यारा मैं नबीर और महमूद को बताते कि भूत जो है वो इसी घर में घूमते पड़े। वाह नबी, वाह भाई नबी, वाह क्या नाम महमूद, वाह यार मेरा बाजू, अभी अपने बाजी को बाहर बैठ के पिज्जा खाते हुए देखा था ना यार। अरे पागल हो गए हो तुम अखरोट के दिमाग वाले, ये देखो। अरे ये लाश पड़ी हुई है मोमो की। वाह यार ऐसे कैसे हो सकते, अभी हमने इनको बाहर में देखा तो पिज्जा खा रहा था कल यार। मुझे लगता है जब तक माँ जी की तदफीन नहीं हो जाती उनकी रूह इसी तरह भटकती रहेगी। क्या बोलते कदा? हाँ, और हो सकता है कि वो अपने साथ किसी को ले जाना चाहती हो। किसको? ओ भाई जिसको माँ जी की रूह नजर आएगी उसी को साथ लेके जाएंगी ना वो। तो खुदा पाक का वास्ते हमको बचा लो यार, हमारा छोटा छोटा माँ बाप और 15-16 बच्चे बड़ा बड़ा करे यार, हमको बचा लो भाई। मैं को दफनाने का इंतजाम करो करे यार। ना 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 बारूद खान, माँ जी की वसीयत के मुताबिक जब तक युगंडा वाला मामू नहीं आता तदफीन नहीं होगी। बारूद खान तुम बर्फ का इंतजाम कर लो। वो यार कमाल करते, घर में लाश पड़े तुमको शरबत पीने का पड़ा। अरे भाई मोमो की लाश बर्फ में रखेंगे ताकि खराब ना हो, ताफुन ना फैले। चीख तो कौन पड़ा है? देखा तुमने बारूद खान, बर्फ का नाम सुनते ही माँ जी की लाश को जुकाम हो गया। तुम एक काम करो, तुम लाश के पास बैठो, मैं और महमूद साहब ना दवा लेके आते हैं लाश के लिए। वादे को हम जाते हैं, हम एक पल और इधर नहीं रुकेगा, हम जा रहे हैं इधर से खाना। ओ भाई मगर तुम्हारे यहाँ तो रिवाज है ना कि तदफीन करके जाते हो, बगैर दफन किए जाते नहीं हो, तो रुको भाई। यार भाड़ में क्या है ऐसा रिवाज, हमको अपना जान प्यारे, हम नहीं दे सकते। कैसा जानू कैसा? वैसे आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया उस बेचारे के साथ। क्यों, तुझे उससे बड़ी वो हो रही है तस्नीम? अरे बड़ा आया था सबक सिखाने वाला। ऐसा मैंने सबक सिखाया कभी पलट के नहीं आएगा। क्यों मामू साहब मानते हैं फिर मुझे? अरे सारा क्रेडिट तुम कैसे ले जा सकते हो भाई, मैंने और मोमो ने भी तो मिलके भगाया है। अरे तुम्हारे अकेले का कमाल नहीं है। मैं मुसा मत भूले, बारूद को भीगी बिल्ली किसने बनाया? नबील ने। माँ जी को लाश किसने बनाया? नबील ने। बारूद खान के इतने सारे पैसे किसने खर्चवाए? नबील ने। वैसे नबील हमें इतने भोले इंसान के साथ, इतने मासूम इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितना समझाया मैंने तुम्हें मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। हैं? ओ कैसी बातें कर रहे हैं, दबा कर रहे हैं उस भोले वाले आदमी को। ऐसा मैंने डराया दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेगा। रख दिया पुत्र। क्या माँ जी? कदम तुम्हारे बिल्कुल पीछे है नबील। आज हम तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको लाश बनाएगा, बाकी सब चीखेगा रोएगा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार को।